मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैं आपसे किया गया वादा नहीं तोड़ सकती, आपके हुक्म पे भी नहीं। दानिश को आपने मेरे शौहर के तौर पर चुना था और मैंने उसे हमजा से अपनी बेवफाई की सजा के तौर पर चुन लिया है। हर सजाएं भुगती जाती हैं, उनसे भागा नहीं जाता। अम्मा भाई क्या है, क्या हर वक्त फूके मारती रहती हो? वहमी हो गई जब तक कोई क्रीम लगा रही हो, या फिर जलन जलन जलन, दही का कटोरा कभी बर्फ का कटोरा। हकीम लुकमान के पास भी नहीं था वहम का इलाज। वो तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगी नहीं ना, तो क्या मैं जल जल के मर जाऊं, बाहर में भुना हुआ चना बन जाऊं? वैसे आपकी बहू भी ना काफी बेहूदा और बेवकूफ निकली। क्या जरूरत थी यहाँ रहकर बातें और ताने सुनने की? खालू जा रहे थे, चली जाती साथ, तो थैया ही रहेगी हमेशा। तू पागल है क्या? अरे देख रानिया, यहाँ रहेगी तो हमारा फायदा है, वो यही रह सकती, रह रोती रह पिटती रह, हमें क्या? अगर वहाँ चली गई तुझे पता क्या होगा, उनसा तुम बहुत की उम्मीद जग जाएगी। हाँ कितनी कुछ तुम बेवकूफ है। अरे वाह नानू, दाद देनी पड़ेगी आपके दिमाग की, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ तो इसीलिए तो कहती हूँ कि सांप अभी मरा नहीं है, तो लाठी क्यों तोड़े हो अपनी है? अम्मा लगे हाँ तो ये गुर भी बता दो ना कि हमजा को काबू कैसे करें, वो तो इसकी तरफ देखता तक नहीं, ऐसे माश के आटे की तरह हेठा रहता है कमबख्त। ये भी कुछ पूछने वाली बात है, है? तू जाती थी रोज रोज वहाँ खाने पकाने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, अब क्यों नहीं जाती है? देखो पत्थर जो होता है उस पर मुसलसल पानी डालना होता है, क्या समझी? मुसलसल पानी डालने से तो सुराख होता है उसमें। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मेरी बात सुन सना, हमजा को हलवा पसंद है ना, तो हलवा बना ले और उसमें बादाम ना भर भर के डालियो। बादाम कहाँ से आ गए तेरे पास? मेरा दिमाग खाली कर दिया तुम लोगों ने, छुपा के रखे हैं बादाम मैंने। रखे हुए मुझे तो एक नहीं दिया तूने। बादाम डाल के अच्छा सा हलवा बना ले, इस बहाने चलते उसकी मिजाज पुरसी भी कर आएंगे, जरा पता तो चले चल क्या रहा है दिमाग में इन लोगों के। हैं मामा खाली दिमाग भी बड़ा चल रहा है तुम्हारा, तेरे भी चलता बस।